यार आज की वीडियो सुपर बिजी होने वाली है। आप ये सेटअप चेक कर लो, बाहर तवा रोटी, सामने तंदूर लगा हुआ। भाई जो सीन है यहाँ पे डिनर को लेके बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, आपको अंदर चल के सारा दिखाता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी दीपक शर्मा। तो दीपक जी कितना पुराना ढाबा अपना? 40 साल हो गए जी। सर पहले तो मैं अभी पीछे देख पा रहा हूँ, पीछे फोटोज लगी है, पेंटिंग्स बहुत पुरानी, तो एक बार बताओ ये किस किस की है? दादाजी ने जी, फिर मेरे दादाजी ने जी, फिर मेरे पिताश्री ने जी। ओके, तो मतलब सर ये आप आज की डेट में फोर्थ जनरेशन उस ढाबे पे तुसी कह सकदे हो जी, फूड लाइन दे विच कह सकदे हो, सानू मोर देन 50 इयर्स हो चुके ने जी। अच्छा, तो आप खाने पीने का काम सर 50 सालों से कर रहे हो, मतलब 5 डेकेड हो गए आपको एक तरीके से। आप कह सकते हैं सर मोर से ज्यादा ही हुए होंगे, कम नहीं हुए होंगे। तो एक बार दिखाइए सर किचन में होता क्या क्या अपनी। जैसे ये है हमारी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, इसे कहते हैं दाल मखनी। क्या बात है यार, एकदम गर्मा गर्म खोलती हुई दाल मखनी। और ये हमारी सेकंड बेस्ट सब्जी है, इसे कहते हैं जी शाही पनीर। क्या बात है यार, नाम ही शाही है और बिल्कुल शाही लग रहा है, बहुत ही कमाल का शाही पनीर। ये आ गया जी चीज, टमाटो और रंगत चेक करो भाई कितनी कमाल है ये। और सारी सब्जियां यार एकदम गर्मा गर्म है, पूरा धुआं निकल रहा है। ये हमारा सर मटर पनीर। ये आ गया जी मटर पनीर, हम कहते हैं चना मसाला। ओहो भाई कितने बड़े बड़े छोले हैं। हाँ जी, ये इसको कहते हैं, ये ट्रिपल डॉलर कहते हैं जी। ट्रिपल डॉलर हैंड पिक्ड होता है सारा, मतलब ये छोलों में बाहुबली है, बिल्कुल कह सकते हैं सर आप। सही है जी। और ये नेक्स्ट आ गया यार पालक, और जितनी भी सब्जियां अभी तक दीपक भैया ने खोली है ना उनकी भाई खुशबू, अगर मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती खुशबू आप तक पहुंचा सकता तो भाई भूख लग जाती है अभी आपको। ये है हमारा बैंगन का भरता। बैंगन का भरता, वो भी देसी घी में। वाह जी वाह, देसी घी वाला बैंगन का भरता, अगर कोई घर का खाना मिस कर रहा है वो भी आ सकता है और घर का स्वाद ले सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इतनी अच्छी तरह से आप फूड को एक्सप्लेन कर रहे हो, इससे पता लग रहा है आप खुद खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हो। बिल्कुल हूँ सर, अंदाजन हर साल मेरा वजन 2 से 3 किलो बढ़ जाता है। अच्छा हाँ। तो अपने ढाबे के देसी घी का कमाल है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये है कड़ी पकौड़ा। ये आ गया जी कड़ी पकौड़ा, और रंगत चेक करो कितनी कमाल की है कड़ी की। वाह ये देखो यार मशरूम मटर। हाँ जी, इसमें भी हमने हरा मटर यूज किया होता है जो फ्रेश होता है, ना के फ्रोजन यूज करते हैं। ये आ गया मिक्स वेज। मिक्स वेज और ये भी खत्म होने वाले हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देखिए 9 बज रहे हैं रात के जी, तो ये लगभग 2-3 प्लेट रह गई, अब इसका टाइम खत्म होने वाला है। क्या बात है, ये रहा भाई कमाल का सरसों का साग, बहुत ही कमाल सरसों का साग तैयार होता है हमारे। और सर जो सारी सब्जियां अपनी तैयार होती है वो देसी घी के अंदर? बिल्कुल जी, ये हमारा सारा पीछे इंडियन ब्रेड एरिया जी सर, जहाँ पर आपको लच्छा परौंठा बटर नान मिस्सी ये तंदूरी आइटम तो सारी होती होती हैं। ठीक है जी। और एक हमारे पास साथ के साथ गरम तवा रोटी भी होती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। जैसे ये अभी देखिए, अभी कस्टमर बैठे हैं, उन्होंने लच्छा परौंठा लगवाया, ये हमारा है स्पेशल आइटम जो माँ की दाल के साथ बेस्ट कॉम्बो बनता है इसका, इसका बोलते हैं लच्छा परौंठा। और एकदम कमाल का लच्छा पराठा, ऊपर पूरा देसी घी लगा हुआ है, और यहाँ पे जी घर का फुल्का तवा रोटियाँ बन के आ रही हैं तवा के ऊपर से, और भैया लगा रहे हैं भर भर के देसी घी। और उधर आप तंदूर एरिया का एक्शन चेक करो, लगातार ना तंदूरी रोटियां बनती जा रही हैं। दीपक भैया एक और स्पेशलिटी देखी मैंने आपके ढाबे में, तड़का बहुत कमाल लगाते हो दाल को। ये आपको पंजाब से बाहर ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, ये लाइव तड़का कहते हैं इसे। ठीक है जी। जो ब्लैक दाल फ्राई या येलो दाल फ्राई में मिलता है वो लाइव तड़का लगाया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है देसी घी में प्रॉपर, ये देखिए आपको लाइव लगा के दिखा रहे हैं। ओ भाई कमाल चीज, ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे असलियत में ये ऐसे ही तड़का लगता है। बहुत ही बढ़िया। और सर ये चीज मैंने अमृतसर में केसर ढाबा पे देखी है, और यहाँ पे आपके ढाबा पे देखी है, ये लाइव तड़का लगाया जा रहा दाल के ऊपर। और भाई सामने देखो अभी तड़का लगा और गर्मा गर्म दाल जा रही है टेबल के ऊपर। तो सर खाना बहुत सारा दिखा दिया, अब जो लोग देख रहे हैं वो उनको लगे बहुत सारी भूख, अब आप क्या खिला रहे हो? मैं आपको स्पेशल आइटम दिखाना जो आपको नॉर्मली किसी ढाबे पे देखने को नहीं मिलेगी, कहते हैं ऋषि स्पेशल इंडिया किंग, वो वाकई अपने आप में किंग बनती है। बहुत ही बढ़िया, मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ। तो नाम यार किंग है, और मेरे को ना बहुत ज्यादा मतलब है उसको सब कुछ ही चाहिए। ये आगे जी पहली आइटम मिक्स वेजिटेबल। बिल्कुल जी। अभी आ गया जी इंडिया किंग के लिए मशरूम मटर, मशरूम डालेंगे। ये आ गया जी थोड़ा सा भरता, ये हमारा चीज टमाटो आ गया, ये आ गया जी चीज टमाटो, ये आ गया जी हल्की सी पालक, ये आ गया जी मटर पनीर स्पेशल शाही पनीर, चने का साइज दोबारा आपको एक बार क्लोजअप से दिखाता हूँ, देखो कितने बड़े बड़े छोले हैं, बहुत ही शानदार। और ये जो हमारी लास्ट आइटम है कोफ्ता, ये आ गया जी ग्रेवी के अंदर कोफ्ता। हाँ। और पीछे मैं देख रहा हूँ शेफ साहब देसी घी के अंदर मेथी को टॉस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये एमडीएच की मेथी है। ठीक है जी। और ये भाई साहब देसी घी डाला। अब ये आ गए जी जो सारी सब्जियां डाली है ना बॉन मैरी में से, पूरा का पूरा मिक्सचर आ गया जी, और इंडिया किंग हो रहा है यहाँ पर तैयार। और भाई जो लुक है ना सब्जी की, ऐसी सब्जी की लुक मैंने कहीं और देखी नहीं, किसी और सब्जी की ऐसी लुक नहीं आती। और ये चेक करो यार इंडिया किंग की मेकिंग, मतलब कमेंट जरूर करना यार कि आपने कभी ऐसी सब्जी खाई है। और ये हो गया जी इंडिया किंग तैयार, बहुत ही बढ़िया।
अब ये आगे जी फ्रेश क्रीम और लुक चेक करो भाई, बहुत ही शानदार। तो ये लग रही है जी ऋषि ढाबा की स्पेशल थाली। और पहली आइटम इसमें आ गई जी बढ़िया दाल, वाह। और ये आ गया जी शाही पनीर, अभी आ गए जी ट्रिपल डॉलर छोले, ये आ गए जी बासमती राइस, और राइस के अंदर ही पीस हैं और कलर बहुत ही कमाल का राइस का। जो इसे ये जो तड़का लगा राइस को वो भी देसी घी का तड़का लगा, वाह। अब ये आगे जी ऊपर फ्रेश क्रीम, बड़ा किचन में टाइम स्पेंड किया है, बड़ी मतलब अच्छी अच्छी खुशबू आती है तो फिर भूख इतनी लगती है भाई, रुका नहीं जाता। तो आओ ये गर्मा गर्म देसी घी की रोटी, इतनी देर से वेट कर रहे हो, ये देखो गर्मा गर्म देसी घी की दाल, ये है जी गर्मा गर्म शाही पनीर, ओहो ये देख रहे हो। और ये है जी ट्रिपल डॉलर छोले, ये देख रहे हो ना एकदम बड़े बड़े चने। और ये चीज तो यार मैं मतलब हैरान हो गया कि ऐसा कुछ भी ढाबास पे मिलता है, मुझे नहीं पता था। कोई यहाँ पे बोला जाता है जी इंडिया किंग, और दीपक भैया ने बोला कि किंग किंग ही खाता है क्योंकि इसमें 12 प्लस वेजिटेबल्स हैं। एग्जैक्ट कितनी है आपने काउंट करी होगी कमेंट जरूर करना, मैं भी रिकॉल हो जाएंगी। मतलब यार अब सब्जी सोचो वो सब्जी इसके अंदर है। तो जो लोग कहते हैं ना मैं ये नहीं वो खाऊंगा वो नहीं ये खाऊंगा, कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन ऑफ कर लो, इंडिया किंग खा लो, सारा कुछ आ जाएगा इसके बीच में। पहली बाइट क्या ले नहीं नहीं जो बढ़िया एक होता ना दिवाली में क्या करते हैं हम, जो सबसे बड़ा पटाखा होता है ना वो सबसे एंड में चलाते हैं, तो ये बड़ा धमाका एंड में करेंगे, पहले दाल पे आ जाओ। गर्मा गर्म देसी घी वाली दाल, ओहो दाल का स्वाद पता कैसा है आपको, थोड़ा आंखें बंद करो इमेजिनेशन बताता हूँ। बढ़िया मलाई होती है ना, जो बढ़िया मलाई वो जब खाते हैं एकदम उतरती है ना गले से आराम से, वैसी दाल है। और ये आगे आ जाओ जी, ये जी शाही पनीर, ग्रेवी देख के पता लग रहा है भाई ढेर सारी क्रीम डली हुई है इसमें, एकदम रिच ग्रेवी है। जो शाही पनीर होता है ना ज्यादातर ढाबों पे होता है मीठा, पर ये मीठा नहीं है, जो ऊपर से रोगन डाला ना वो लाल मिर्च वाला, उसका इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है ना, तीखा शाही पनीर हो गया, ये मीठा मीठा नहीं है। बढ़िया से डॉलर वाले छोले, ये भी करा रहे हैं मतलब मिर्ची वाले हैं तीखे, माहौल ऐसा 185 की थाली है। सब्जियां कोई भी ले सकते हो, चॉइस है, चावल भी ले सकते हो, रायता भी ले सकते हो। और एक और बढ़िया चीज मेरे को लगी, चपातियां 3 है, एक एक करके मिलेगी पर आपको। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, ये जी जंगली पराठा, मैं जंगली नहीं हूँ पर पराठा जंगली है, जंगली पराठा ऊपर बढ़िया वेजिटेबल्स लगी हुई है, ये जी इंडिया किंग। अब नजर आ रहा है इसके अंदर छोले भी आ गए, पनीर भी है, और ये देखो ये पीछे मशरूम भी छुपा हुआ, ओए छोले करके छोले मशरूम पनीर एक ही बैड में। जब मैंने सब्जी को बनते देखा था ना मुझे लगा था भाई ये क्या खिचड़ी सी बन रही है, क्योंकि इतना सब कुछ एक ही सब्जी में आ गया स्वाद क्या आएगा, पर जो स्वाद निखर के आया जो उन्होंने ग्रेवी डाली है, और कुछ खाओ ना खाओ आगे थाली ना लो बट ये जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये जो फ्लेवर है ना और ऐसा फ्लेवर है कि हम सोचते हैं कि भाई कैसा होगा बट बना है तो वो कमाल का बना है। अब फटाफट वीडियो लाइक कर दो और छोड़ के मत जाओ, लोकेशन सुन के चले जाओ आगे, ये जरूर ट्राई करो और अपनी थॉट शेयर करना कैसा लगा ये। वैष्णो ढाबा, गेल चौक, लिंक रोड, दीपनगर।